हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए कोई मतलब नई गाड़ी का रिव्यू नहीं है, नई बाइक का रिव्यू नहीं है, कोई स्पीड टेस्ट नहीं है, ना ही द्वारका मोटर्स के साथ हम लोग कोई वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज अगर थोड़ा बहुत आप इंटीरियर से पहचान पा रहे हो, अगर नहीं तो मैं भी आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा, तो अगर आपको समझ आ गया होगा मे बी कि गाड़ी कौन सी है, अगर समझ में आ गया तो डू कमेंट डाउन बिलो। आज हम इस गाड़ी का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। अराउंड 88,000 ये गाड़ी चल चुकी है। अब ये गाड़ी कौन सी है अगर अब भी नहीं समझ में आया तो मैं बाहर निकल के बताऊंगा। आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को शेयर करना, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं बाहर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी कौन सी है। फाइनली रिवीलिंग द कार, आप तो पहचान ही गए होंगे कि कौन सी गाड़ी है। तो भाई हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर मोहित शरावत। भाई इस थोड़ा सा बताओ इस गाड़ी, मतलब पहले तो इसकी थोड़ी डिटेल शेयर कर दो कि क्या मॉडल है और क्या है, मतलब वेरियंट वगैरह कौन सा है। ये स्विफ्ट VDI है, थोड़ा तेज भाई। भाई स्विफ्ट VDI है ये, 2015 मॉडल है, ठीक है, डीजल में है और ठीक है, काफी अच्छी गाड़ी है यार। अच्छा डीजल में है, VDI है, VDI है ना। कितनी चला दी है भाई? 88,000 चला दी। कितने सालों में? 5 साल 5 महीने हो गए। तो भाई के मतलब अभी ये सब आप अकेले चलाते हो, पर्सनल कार है या फैमिली कार है? पापा भी चलाते हैं, भाई भी, मैं भी, सभी चलाते। अच्छा सभी चलाते हैं। तो 88,000 चला दी, तो 88,000 का थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा रहा इस गाड़ी के साथ, खुश हो ये गाड़ी लेकर? भाई ठीक है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया कार है। बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उस टाइम कितने की ली थी 2015 में? भाई 8-8.5 के करीब ली थी 2015 में। 8.5 में, एक बार इधर आ जाओ। तो भाई माइलेज कितना दे देती है ये गाड़ी? भाई नॉर्मल रोड पे दे देती है 19-20 की, बाकी हाईवे पे दे देती है बढ़िया 22-23 की। 19-20 की निकाल देती है। अगर मतलब पूरी रफ चलाएं तो मतलब मिनिमम माइलेज बताओ। मिनिमम माइलेज बताइए। 18? हाँ, बिल्कुल 18। बहुत कम बता दी, 19-20 तो है। इतनी देती ही देती है। तो भाई अब क्योंकि नई स्विफ्ट आ चुकी है BS6, ये तो BS4 इंजन रहा होगा, तो नई स्विफ्ट आ चुकी है, तो फिर उसके और इसके मुकाबले में अगर दोनों कंपेयर करें तो फिर क्या लगता है कि नई वाली स्विफ्ट ज़्यादा अच्छी है या अच्छी है? भाई मेरे को तो यही अच्छी लगती है, इसके लुक के हिसाब से, तो चलने के भी हिसाब से यही बढ़िया लगती है मेरे को। वैसे इंजन तो दोनों में सेम ही है वैसे, लेकिन मॉडिफाई के ऊपर बात है। मॉडिफाई बहुत, हाँ इसमें इसमें हाँ वो थोड़ा उसमें BMW मिनी के ऊपर वाला डिज़ाइन है ना, तो मॉडिफिकेशन उसमें भी बढ़िया हो जाती है। तो भाई ये अभी तक कहीं पेंट वेंट नहीं हुई ना एक बार भी? कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एज इट इज़ है, 5 साल से जैसी है। तो कुछ सोचा तो होगा, मेरे को लग रहा है कि पेंट करवाने का मतलब उसको टाइम आ गया है, कुछ सोचा है? करवाएंगे अभी तो, थोड़ा हल्का फुल्का जो थोड़ा साइड में से भी निकल रखे है। हाँ तो फिर करवाएंगे इसको। अच्छा तो भाई अभी सर्विस कहाँ से चल रही है इसकी? सर्विस यार इसकी यहाँ मुंडगे से चलती है, AAA से, मतलब कंपनी से चल रही है, बाहर से कंपनी से ही चल रही है। तो फिर कितना आ जाता है सर्विस कॉल? अब तो 88,000 काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है, तो अब थोड़ा कर सर्विस कॉल भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया होगा। सर्विस की 14-15 तो आ ही जाता है, अभी आ रही है। और पैर मतलब हमेशा मतलब सारे बंदे, ये एक मिथ है या क्या, मतलब सब बोलते हैं कि मारुति की सर्विस थोड़ी सस्ती है, तो 15,000 रुपये मेरे हिसाब से सस्ती नहीं है यार। ठीक है, बाकी होगी और ज़्यादा महंगी होती होगी, हमें तो इसका ही पता है। भाई टाटा वाटा की तो बहुत सस्ती हो जाती है, फिर 6-7 हज़ार रुपये में निपट जाते हैं टाटा वाले, तो फिर 15,000 तो बहुत ज़्यादा है। मतलब डीजल की तो थोड़ी ज़्यादा वैसे रहती ही है मेंटेनेंस, थोड़ी डीजल की ज़्यादा रहती है, ज़्यादा साल जो है चला ही बहुत रखी है। हाँ हाँ नहीं, अब जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। अच्छा तो फिर क्या प्लान क्या है अभी, इसको पूरे 10 साल रखना है क्या? हाँ मतलब 5 साल तो बढ़िया भारी है गाड़ी। अच्छा बेचने का कोई प्लान है नहीं फिर? हम यूज में आ रही है हमारे, फिर जिस हिसाब से अभी चल रही है मेरे हिसाब से, मतलब इस हिसाब से तो 2 लाख पार कर जाएगी है ना। और फिर मेरे को लगता भी नहीं कि इंजन में कोई इंजन कुछ बिगड़ना भी नहीं है, बढ़िया पावरफुल इंजन है इसका। भगने में कैसी है ये? भगने में बढ़िया है भाई, बाकी आप खुद चलाओ और पता करो। वैसे नहीं मैं आपका एक्सपीरियंस, मैं तो 5-10 मिनट चला लूंगा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा चलाई है ना, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी ओवरटेक वगैरह में कभी ऐसा लगता है लैग वगैरह में? नहीं भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओवरटेक कर रहा हूँ, हो नहीं पाया लैग जजमेंट से। हाँ हाँ मैं कर देता हूँ बढ़िया। और बाकी एक दो गाड़ियों से रेस वेस भी कर रखी है मैंने। कौन सी? 20 से, पोलो से,
पोलो से भी कर रखी है, पोलो से तो नहीं जीत पाई होगी यार। पाएगी, लेकिन मैंने जीत लिया था अपने उससे, लेकिन उसको चलानी नहीं आई, लेकिन पोलो अच्छा। गाड़ी अच्छी है, लेकिन मैंने जिता दी थी। अच्छा अच्छा हाँ। अभी मतलब पिकअप काफी अच्छा है इसका। हाँ हाँ, टॉर्क काफी अच्छा है ना ये, पंप अच्छा देती है, पंप अच्छा देती है ये। तो अभी कहाँ कहाँ ले गए इसको, मतलब आज तक कितने कहाँ कहाँ बाहर तो ट्रेवल करा ही होगा इससे? भाई मैं मनाली दो बार ले गया इसको। अच्छा, पहाड़ों में कैसा रिस्पॉन्स है? पहाड़ों में बहुत बढ़िया है, थोड़ा मतलब जैसे रात भर रखती है तो ठंड मान लेती है, फिर थोड़ा इंजन गर्म करना पड़ता है। हाँ, स्टार्ट फिर मतलब एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती। हाँ, नहीं अच्छा। स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो फिर एकदम से रेस नहीं ले पाती ना। हाँ हाँ, कोल्ड स्टार्ट तो करना पड़ेगा, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो तो बाकी और कोई दिक्कत। बाकी डीजल में तो इतना इश्यू रहता नहीं है, पहाड़ों में बढ़िया बढ़िया चलती है। बढ़िया चलती है, 5 जने बैठ के गए थे, सबका सामान भी था गाड़ी में, फुल लोड के साथ गई थी, और कहीं भी ये नहीं आया कि पहाड़ पे ऐसे चढ़ाई पे रुक गई या फिर ऐसा कुछ। अच्छा, अभी ये तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, अगला पहिया इसका घूमता है, तो बर्फ में दिक्कत नहीं आई, सब कहीं स्केट वगैरह नहीं मारी इसने, मतलब ओवरऑल बढ़िया था। और कहाँ कहाँ ले गए? दो बार मनाली ले गया, उत्तराखंड भी, नैनीताल वगैरह भी गया हूँ, लॉन्गडॉन वगैरह भी गया। अच्छा, मतलब पहाड़ों में घूम रखी है बढ़िया। अच्छा, तो हाईवे पे क्या माइलेज मिल जाता था? हाईवे 22-23 का प्राइस मिल जाता है। 22-23 का। अच्छा, आपको कैसा लगता है, सही है, मतलब और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो या फिर बढ़िया है, सही माइलेज है? नहीं यार, हमारे उस पर तो ठीक है, सही हमारा खर्चा निकाल देती है ये। हाँ, इतना ज़्यादा तो मेंटेनेंस भी नहीं मांगती है। तो उस टाइम पेट्रोल क्यों नहीं ली, मतलब पेट्रोल में सीएनजी वगैरह लग जाती, मतलब डीजल ही क्यों ली, डीजल प्रेफर क्यों करा? डीजल ही लेनी थी हमें। अच्छा, अभी दिल्ली में 10 साल वाला रूल है, तो वो नहीं, तो वो आपने उस टाइम तो नहीं था, खैर नहीं था उस टाइम, नहीं की बात है। हाँ, उस टाइम नहीं था। अच्छा, आप अगर, भाई मैंने नहीं थी, पापा ने, मेरे भाई ने ली थी। अच्छा, तो उसकी चॉइस यही थी तो उसने ले ली। अच्छा, अब अगर मतलब अब अगर कोई गाड़ी लेने हो और आपके पास हो 7-8 लाख रुपए, तो फिर कौन सी गाड़ी प्रेफर करोगे अब, अगर आज की डेट जो मार्केट में अब जो गाड़ियाँ चल रही है उस हिसाब से अगर बात करें तो? इस हिसाब से तो मैं पोलो ही प्रेफर करूँगा, और ज़्यादा रुपये मिला। अच्छा, पोलो। हाँ, पोलो बढ़िया गाड़ी है, थोड़ी मतलब ब्रांड अच्छा है। हाँ, छोटी गाड़ी में सबसे बढ़िया गाड़ी पोलो ही लगती है मुझे। हाँ हाँ, प्रीमियम हैचबैक में ना अच्छी अच्छी गाड़ी है, चलो मतलब वो चॉइस तो अच्छी है आपकी, सही है। तो डीजल ही या पेट्रोल? नहीं, डीजल ही। डीजल ही, मतलब 10 साल वाला रूल जानते हुए भी डीजल ही? 10 साल बाद और दूसरी आ जाएगी। अच्छा, मतलब फन टू ड्राइव कार, मतलब हाँ वो तो एक बात है यार, जो बंदे ने, जिस बंदे ने डीजल एक बार चला ली, फिर वो पेट्रोल पर शायद मुश्किल से शिफ्ट हो पाएगा, क्योंकि डीजल का पावर ही अच्छा मिल जाता है। तो भाई अभी क्या है, इसका टायर वगैरह चेंज हो गए होंगे एक बार तो मेरे हिसाब से? एक बार चेंज हो रखे हैं भाई। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से 1 साल पहले ही हुए हैं टायर चेंज। अच्छा, तो अभी मतलब इतने टाइम बाद 88,000 चल गई, इंजन में कुछ दिक्कत विक्कत आई, हेड वगैरह में कहीं भी कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं आई भाई, एक बार इसका एक्सीडेंट भी हो गया था छोटा सा। अच्छा, हेड वगैरह में चोट लगी थी इसके काफी। अच्छा, फिर भी उसके बाद भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। फिर इंश्योरेंस लिया था? इंश्योरेंस ले रखा था। अच्छा, वो चेंज ही करवा दिया। मतलब कैसे हो गया था एक्सीडेंट? वो हम जा रहे थे, आगरा जा रहे थे, तो वो PMP पे लग गई, उस पर हाईवे एक्सप्रेसवे पे लग गई। अच्छा, रोड पे लग गई थी। अच्छा, तो तब मतलब मारुति से लिया था आगे? अच्छा, मारुति से ली थी इंश्योरेंस? हाँ, मारुति से ली। तो सिर्फ रेडिएटर होता है? सिर्फ नहीं, रेडिएटर और ये बम्पर टूटा था और कुछ। कितना तक का खर्चा आया? तो बंपर तो चेंज करके दिया होगा, बंपर भी चेंज हो रहे हैं, रेडिएटर भी चेंज हुआ। कितना तक का खर्चा? जीरो डेप्थ था उस टाइम? हार्डियो डेप्थ था, फाइल चार्ज का तो खर्चा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ? बढ़िया, ओवरऑल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो फिर एडवांटेज भाई, प्यार लगती है गाड़ी। अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती मेरे को तो। अच्छा, और आज के टाइम पे अगर किसी को सेकेंड हैंड डीजल ये स्विफ्ट लेनी हो तो प्रेफर करोगे, मतलब ले सकते हैं या नई वाली पे जाओ? नहीं भाई, अगर कम चली है, इंजन ठीक ठाक काम कर रहा है। हाँ हाँ, बॉडी ठीक है गाड़ी की। हाँ हाँ, कंडीशन सारी ओवरऑल ओके है यार। ले लो, बॉडी से याद आया कि बॉडी इनकी थोड़ी सी, अगर कहीं लग जाते तो ज्यादा ही लग जाती है, ज्यादा लग जाती है। मारुति की थोड़ी सी हल्की है वैसे। हाँ, रैटलिंग नॉइज हो रहा है, मतलब कोई आवाज है गड्ढे वड्ढे में जाने के बाद कुछ आवाज आती है? और कुछ ओके करवा रखा है। अच्छा, और कुछ सस्पेंशन वगैरह में खर्चा है? 1 लाख चलने वाली है तो सस्पेंशन बैठ जाते हैं, मतलब इतने टाइम में तो आया नहीं है भाई, कोई खर्चा नहीं है। बाकी मैं मतलब एक्सीडेंट के अलावा कोई मैकेनिकल कुछ भी इसके अंदर नहीं है? फॉल्ट एक्सीडेंट में बस ये थोड़ा कूलेंट वगैरह निकल गया था, रेडिएटर पे चोट लग गई थी, बाकी और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ओके है वो बिल्कुल? अच्छा, उसे भी हो गया 1-1.5 साल हो गया इस बात को। मतलब कोई अगर सेकंड हैंड लेना चाहे तो ये लो, मेरे को भी यही ज़्यादा ठीक लगती है, नई वाली से थोड़ी ज़्यादा भारी है। अब बिल्ड क्वालिटी तो वैसे ही मारुति की इतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे वो थोड़े से मिनी कूपर वाला डिज़ाइन मिल जाता है, बट ये थोड़ी ओल्ड स्कूल ही है, लेकिन बढ़िया लगती है, थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो फिर इतना अच्छा। और अगर कम्फर्ट की बात करूँ तो मतलब इसमें 5 बंदे कम्फर्टेबली आ जाते हैं या 4?
हाँ जैसे फुल साइज के तेरी हाइट हाइट कितनी होगी? क्या हाइट कितनी होगी तेरी? मेरी 5, 10.5, 11 होगी। ठीक है, 5, 10.5, 11 तेरी हाइट के 5 बंदे बैठ जाएंगे इसके अंदर यार। 5 जने पीछे लंबे रूट के लिए, लंबे रूट के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा परेशान होंगे लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी में बैठेंगे। अच्छा, मतलब अगर छोटी फैमिली है तो ले सकते हैं फिर, है ना? मतलब 4 लोगों के लिए तो कंफर्टेबल है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, ले सकते हैं ना 4 लोगों के लिए। अच्छा, और भाई ठीक है फिर, इतना इतना बता दिया। और कुछ अगर हम इसकी बात करूँ, मेरे को एडवांटेज गिनवा दो 5, इसके 5 एडवांटेज अगर इसके गिनवा सकते हो तो। भाई दिल्ली में तो बहुत बढ़िया चलती है ये। अच्छा, और ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रॉपर इतने रेंज में इससे बढ़िया गाड़ी मेरे ख्याल से और तो कोई है। ठीक है, इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस मेरे हिसाब से तो मानती है। हाँ हाँ, नॉर्मल चलाओ, बढ़िया चलाओ। और मारुति तो बाहर भी सर्विस से इजीली हो जाती है, मतलब मारुति वैसे वोक्स वगैरह वगैरह की इतनी मतलब सारे नहीं कर पाते, पर मारुति की तो हो जाती है, बाहर भी हो जाती है। हाँ हाँ, और बाहर मेरे ख्याल से 4, 4.5 में हो जाती है, मैंने बाहर भी करवा रखी है। अच्छा, बाहर करवा रखी है? बाहर करवा रखी है। अच्छा, मतलब लेकिन मैं कंपनी का ही प्रेफर करता हूँ, कंपनी सारी चीज़ चेंज कर देती है। अच्छा, वगैरह। हाँ हाँ, मतलब कंपनी की सर्विस ज़्यादा बढ़िया लगती है तो फिर, और लगते हैं ज़्यादा लेकिन ठीक है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अच्छा, और कुछ अच्छा ही इसकी? और अच्छा ही तो ये बढ़िया भगती है। मैंने इसको 160-170 भगा रखा है, टॉप स्पीड 170 तक गई है, तक भी चली जाती है। नहीं, जा सकती है क्योंकि मतलब पेट्रोल 160 तक मैंने देखा हुआ है और चलाई जो है मैंने 160 तक, तो ये तो और ज़्यादा चली जाएगी मेरे हिसाब से। कहाँ, दिल्ली में ही? नहीं, गुड़गांव। गुड़गांव। और भाई अगर इसके डिसएडवांटेज, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो इसकी, बस इसकी बॉडी की लगती है मुझे ज़्यादा, बस बॉडी क्या है कि कहीं लग जाती है तो ज़्यादा ही अंदर बैठ जाती है। अच्छा, जैसे ये पत्थर लगा था हल्का सा, अच्छा, उसमें ही ज़्यादा डैमेज ले लिया इसने, काफ़ी हल्का सा ही लगा था, पर बॉडी पर स्क्रैच कम नहीं होगी लेकिन बॉडी अंदर बैठ गई। हाँ, स्क्रैच तो बहुत कम है ये, अगर बाहर आ जाएगी तो ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, मतलब बॉडी क्वालिटी एक इशू लगता है सिर्फ, यही एक इशू, और तो कुछ ऐसा। तो भाई मारुति काफ़ी है मारुतिनों के लिए। हाँ, मारुति और उसके साथ साथ दूसरी गाड़ियाँ भी, मतलब दूसरे भी जो कंपनीज जैसे ह्यूंडई वगैरह है, वो तो टाइम टू टाइम अपनी जो कार की क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो तो कम करती जा रही है, चेंज क्या कम करती जा रही है। नई वाली i20 आई, उसका भी 100 मतलब वज़न काफ़ी कम कर दिया, अब वो हाथ से दबने लग गई है, पुरानी वाली नहीं दबती थी। ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम ये लोग क्वालिटी तो कम करते जा ही रहे हैं, अब मारुति पता नहीं अब कहाँ तक जाएगी, अब तो काफ़ी लो कर दी इसकी क्वालिटी। ओवरऑल बढ़िया गाड़ी है ना, मतलब किसी को लेनी हो तो प्रेफर करते हो आप कि हाँ कि बढ़िया ले सकते हो आप। भाई कंपनी वाले सिस्टम, NCS का साउंड चलाना है, कंपनी वाले सिस्टम का अभी हम रिस्पांस चेक कराएंगे, कंपनी का, अब सब कुछ तो इसमें कंपनी का ही लगा हुआ है ना, स्पीकर वगैरह सब कुछ। तो भाई ब्लूटूथ साउंड, इसमें ब्लूटूथ आता नहीं था, ऑक्स और CD प्लेयर आता, CD प्लेयर तो अब यूज़ होता नहीं, CD प्लेयर यूज़ करा कभी? नहीं। तो ऑक्स आता था इसके अंदर ब्लूटूथ के लिए अलग से, NCS का साउंड लगाना है, NCS यूट्यूब पर सर्च करें, यूट्यूब पर तो NCS का साउंड चलाएंगे, और इस क्योंकि फिर कॉपीराइट का इश्यू रहता है, अगर आपको फिर कोई हिंदी या हरियाणवी गाने सुनने हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पे मैं स्टोरीज में डाल दूंगा आपके लिए, तो जिस जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा वो फॉलो कर ले। तो भाई NCS का साउंड चला दिया है, बेस वगैरह कैसा लगता है इसका? ठीक लगता है, अलग से इसमें कुछ पेटी वेटी नहीं करवाई? चारों स्पीकर वर्किंग है इसके? फटती कितने पे आवाज़ इसकी? तो मैक्स पे है, फटने लग जाती है, नहीं फटती नहीं है ऐसे, मतलब थोड़ा सा आगे करियो 10 सेकंड। अब बेस चेक करना गाड़ी का, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ठीक है। चल बंद कर दे, जो बंदा बेस ही है, लेकिन जो बंदा नॉर्मल सुनने वाला है ना तो वो उसके लिए तो ठीक है। तो है कोई गाना जो इसमें सही बढ़िया बेस हो तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, कोई नहीं जिसमें बढ़िया बेस लग रहा हो तो इसने इसमें अच्छा हो जाएगा। तो
भाई उस टाइम मतलब VDI में ज़्यादा कुछ कंट्री फीचर्स वगैरह तो आते नहीं थे, तो ऐसा कुछ इंटीरियर है। बाकी अभी अभी इस गाड़ी को हम चला कर देखेंगे, तो ओनर का रिव्यू था, एक बार ड्राइव रिव्यू मैं अपना दूंगा कि अब आफ्टर 88,000 कैसी ये गाड़ी, मतलब अब चलने में कैसी है, एक बार थोड़ा सा इसको उठा के देखेंगे, ब्रेकिंग वगैरह टेस्ट करेंगे। तो वो जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, ये सिर्फ कस्टमर रिव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपके पास ड्राइविंग, 5 ईयर्स ओल्ड या 11 लाख किलोमीटर चली हुई स्विफ्ट चला रहे हम, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।